सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ मुर्गे के लिए घर। सेब बहुत सारे लगे थे, लेकिन एक सेब ये है और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह के 7:30 बजे से, और अभी बस धूप लग चुकी है, बारिश बंद हो चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने मुर्गे को बाहर निकालते हैं। मुर्गे लार के हमने यहाँ बहुत सारे के देखो ना, तुम मुर्गा कौ मुर्गा हेलो लो ला 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 पूरा कटी जी ला ला है पूरा पूरा ची 22 ला ला ला। तो भाई इतने सारे मुर्गे यहाँ मिल रखे हैं, पूरे गांव वालों को मिल रखे हैं मुर्गे। तुम्हारे कितने हैं भाई? 5 इनके भी हैं, और सब गांव वालों को, पूरे गांव वालों को मुर्गे मिल रखे हैं, और हमारे यहाँ भी हैं 20-25 मुर्गे। तो अब लेता नहीं है। आयुषु क्या है वो है? क्या है दान मुगा मुगा दिन 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 गांव वालों को मिल रखे हैं प्रधान की तरफ से मुर्गे। तो अभी इनको दाना खिला दिया हमने। और खाए मुर्गे दगड़ी तू नहीं खाएगी? तो भाई आज मस्त रोटी और आलू के गुटके खाएंगे, मस्त नाश्ता। आज सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ मुर्गे के लिए घर। ये हमारा पहले का घर था मुर्गे का, छोटा सा। अब इसको आज बड़ा बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं कितना बन पाता है। अभी मैं लगा वहाँ पे मुर्गा का घर बनाने के लिए, और अभी बड़ा सेब बना रहा हूँ मैं। इतना मैंने बना दिया, थोड़ा सा काम और बाकी है। श्रीनगर से आम ला रखे थे, और ये बना रही है अचार, मस्त कटिंग कर लिए है, और इसका अचार बनाएंगे बढ़िया सा। कुछ यहाँ पे सुखा रखे हैं, दाल दूल सब सुखा रखे हैं यहाँ पे। ये मिर्ची है, ये घर की दाल है अचार। जब ये सूख जाएगा फिर हम इसमें मस्त मसाला वगैरह डालेंगे, फिर अचार बनाएंगे मस्त वाला। नहीं भाई ऐसे तो क्या खा रहे? आम आम खा रहे? मेरे को भी दे दे। तो भाई फाइनली इतना बड़ा बन चुका है, और आज पूरे दिन की मेहनत ये है। बहुत भूख लगी, पहले खाना खाते हैं फिर बनाते हैं इसको कंटिन्यू। तो भाई खाने में मस्त दाल चावल, घर की दाल और चावल और अचार और मॉर्निंग के गुटके, तो मस्त खाते हैं फिर अपने काम पे लग जाते हैं। अब तो भाई पूरे दिन मेहनत के बाद बन गया है मुर्गे का घर, अंदर से ऐसा ही और बाहर से ये दरवाज़ा लग गया, पूरी तरह से कवर हो गए। एक दरवाज़ा यहाँ से निकाल रखा मैंने इमरजेंसी के लिए। तो भाई घर के अंदर डालेंगे हम भूसा, धान की भूसी इसके अंदर, ये ऐसे करके तब रहेंगे वो मस्त। तो भाई ये है इमरजेंसी द्वार, ऐसे करके खुलते हैं इसको, और जो भी यहाँ अंदर इसका अवशिष्ट होगा मुर्गों का, उसको बाहर ऐसे निकालेंगे। तो भाई अंदर मस्त इनके रहने के लिए मैंने बिछा दिया है, और धान की भूसी वगैरह, और अब इसके अंदर मुर्गे रहेंगे मस्त। और इस दरवाजे को लगा देते हैं, ये इमरजेंसी द्वार है। तो भाई मुर्गे को जितने जब से लाए थे, और इनका घर यहाँ था बाथरूम में, बहुत गंदा कर रखा था इन्होंने, देखो देखो। अब मैं इनको नया घर में रहता हूँ। हे तो भाई आज से इनका घर ये वाला है, नया घर में रहेंगे बढ़िया सा। क्यों आई सो नहीं? हाँ। तो हेलो दोस्तों, अभी हो गई है शाम, और दिन भर मैंने मुर्गों का नया घर बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा टाइम मुर्गों का घर बनाने में लग गया। तो फाइनली अब वो सही घर के आ गए हैं। तो भाई अब देखते हैं, थोड़ा बहुत भाई आ गए होगा तो लाइट का काम करते हैं, वरना खेत में जाता मैं डबडिया ने, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये हमारा अखरोट का पेड़, से बहुत सारे अखरोट लगे पड़े हैं, देखो ये है यहाँ पे बहुत सारे अखरोट लगे हैं इस पे। तो भाई ये है हमारा सेब का पेड़, देखो एक सेब ही लगा हुआ है, सेब बहुत सारे लगे थे, लेकिन एक सेब ये है। और दिखाता हूँ आपको, एक पेड़ ये हमारा सेब का, ये देखो इतने सारे सेब लगे पड़े हैं, देखो बहुत सारे सेब है, ये देखो दिख रहे हैं आप। तो भाई आज से लगभग 7-8 साल पहले हमारे यहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ होते थे, लेकिन अब हमारे 2-3 पेड़ बचे, एक ही है और एक पेड़ उधर है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। ये देखो सेब भाई, बहुत सारे सेब है भाई, ये देखो ये देखो ये देखो इतने सारे सेब हैं।
मस्त है पूरा हमारे यहाँ। और देखो मस्त लगे भाई गोलने पे, इतने महंगा काम हुआ रहे ना ये, एक खेत दो खेत तीन के सब खत्म कर लिया। कैसा लगा काम करके? अच्छा लगा, अच्छा लग रहा ना। अभी बिल्कुल कड़वे हो रहे, अभी पके नहीं प्रॉपर, तो इसको लगभग एक महीना और चाहिए, उसके बाद प्रॉपर पक जाएंगे। हमारे यहाँ इतने सारे सेब होते थे ना, लेकिन सब पता नहीं क्या हो गया, कुछ टाइम पहले सारे पेड़ सूख गए, दो तीन पेड़ बचे हैं उस पर हो रहे हैं कुछ। आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा, नींबू का पेड़ है, संतरे के पेड़ हैं, दोबारा संतरे हो गए, दोबारा हो गए संतरे। आहू तो भाई सनसेट होने वाला है, 6:30 हो गया है, और व्यू देखो यहाँ का क्या मस्त ग्रीन ग्रीन हो रखा है सब जगह। देखो भाई क्या ग्रीन ग्रीन हो रखा, मस्त हरियाली हो रखी। तो भाई थोड़ा फिटिंग का काम करते हैं, भाई के साथ हेल्प करता हूँ। ये देखो यहाँ थोड़े झीरे काटते हैं, कमरे में फिटिंग करनी है इस कमरे में और इस कमरे में, दोनों जगह फिटिंग करनी है। तो भाई फाइनली आज इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आज मैंने पूरे दिन भर मुर्गे का घर बनाया और थोड़ा लाइट का काम किया भाई के साथ में, और बाकी कुछ नहीं किया, वैसे पूरा दिन ऐसे कट गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज के लोग पसंद आए, पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।